लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में भी वैक्सीन तैयार की जा रही है ताकि देश को लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। इस एक्शन की खास बात यह है कि आप इसे इंजेक्शन के जरिए अपने शरीर में नहीं लगाएंगे, ना ही इसे पोलियो ड्रॉप की तरह पीना होगा, इसे किसी और तरीके से आपके शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन विकसित कर रहा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई जा रही वैक्सीन शरीर में शिरीन से नहीं डाली जाएगी। यह वैक्सीन की एक बूंद को पीड़ित इंसान की नाक में डाला जाएगा। इस वैक्सीन का पूरा नाम है कोरोफ्लू वन ड्रॉप 19। वैक्सीन कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इससे पहले भी फ्लू के लिए बनाई गई दवाइयां सुरक्षित थी। भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन और फ्लूजेन कंपनी के साथ समझौता किया है। इन तीनों ने मिलकर यह वैक्सीन विकसित की है। कोरोफ्लू विश्व विख्यात फ्लू की दवाई M2SR के बेस पर बनाई जा रही है। इसे यशोहिरी का मौका और ग्रेवल में ने मिलकर बनाया था। और M2SR भी इन्फ्लुएंजा बीमारी की एक ताकतवर दवा है। जब यह दवा शरीर में जाती है तो वे तत्काल शरीर में फ्लू के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। इस बार योशिहारी कवाहोका M2SRSA दवा के अंदर कोरोना वायरस 19 का जीन सिक्वेंस मिला दिया है। M2SRSA बेस पर बनने वाली कोरोफ्लू दवा में 19 का जीन्स मिलाने से अब यह दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो गई है। यानी जब यह वैक्सीन आपके शरीर में डाली जाएगी तब आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगे। फ्लू की वजह से बने एंटीबॉडी कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट हेड डॉक्टर बताया कि रहेशेस एला ने बताया कि हम भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करेंगे, उनका क्लिनिक ट्रायल करेंगे, फिर यहीं से 300 मिलियन डोज बनाएंगे। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। कंपनी इंसानों पर क्लिनिक ट्रायल साल 2020 के अंत तक शुरू करेगी। तब तक इसके परीक्षण यूनिवर्सिटी ऑफ देश की प्रयोगशाला में चलते रहेंगे। M2SR फ्लू का वायरस है जिसमें दो जीन की कमी होती है। इसकी वजह से कोई भी वायरस शरीर के अंदर कोशिकाओं को तोड़कर नए वायरस नहीं बना पाता, इसलिए यह दवा का आधार बेहद सफल रहा है।